नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, अगर आप LIC के एजेंट हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपने लॉकडाउन के दौरान LIC से अप्रैल और मई महीने में इंटरेस्ट फ्री एडवांस लिया है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि यहां पर LIC ने एक अच्छी खबर दी है अपने उन एजेंट के लिए जिन्होंने एडवांस लिया है। जिन्होंने जो एडवांस लिया है LIC, उसका रिकवरी अक्टूबर महीने से शुरू करने वाली थी, लेकिन यहां पर LIC ने उस रिकवरी का टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा। साथ साथ में हम दोनों ही सर्कुलर देखेंगे, एक पुराना सर्कुलर जब इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिया जा रहा था, और साथ में जो टाइम पीरियड बढ़ाया गया है उस सर्कुलर को भी इस वीडियो में जरूर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं उस सर्कुलर पे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं LIC के उस सर्कुलर पे जिसे LIC ने 2 अप्रैल 2020 को मार्केट में पेश किया था, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि COVID-19 एडवांस टू ऑल ERS एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन एजेंट, और यह कमीशन उन एजेंट को दिया जा रहा था जिसकी एजेंसी को 1 अप्रैल 2020 तक 5 साल कंप्लीट हो गया था। और यहां पर LIC इन एडवांस को 2 इंस्टॉलमेंट में देने वाली थी, जो कि 50-50% पेबल होता था। पहला था 15 अप्रैल और 30 अप्रैल और दूसरा जो इंस्टॉलमेंट था वो 15 मई का था। अब जिस जिसने इसमें रजिस्टर किया था, यहां पर LIC ने उसको एडवांस कमीशन दिया था। साथ साथ में LIC ने यह भी कहा था कि जो भी एडवांस कमीशन दे रही है LIC, उसे 24 महीने में रिकवर करेगी, जो कि अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाला था। और जो मैक्सिमम एडवांस LIC पे करने वाली थी वो 50,000, या तो जो लास्ट ईयर का कमीशन था, उन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा था वो LIC यहां पर पे करने वाली थी। तो दोस्तों, ये तो LIC का पुराना सर्कुलर था, जिसे आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे यहां पर नए सर्कुलर के बारे में कि LIC नए सर्कुलर के हिसाब से कब से एडवांस कमीशन रिकवरी करने जा रही है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं नए सर्कुलर पर। दोस्तों, अगर नए सर्कुलर की बात करें तो इसे LIC ने 1 सितंबर 2020 को लाया, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रिकवरी ऑफ COVID-19 एडवांस। मतलब इस सर्कुलर के हिसाब से LIC ने यह कहा है, जो एजेंट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन के लिए एप्लीकेबल थे, उनको एडवांस दिया गया था, उसका जो रिकवरी था वो अक्टूबर 2020 में होने वाला था, लेकिन यहां पर वो रिकवरी दिसंबर 2020 तक नहीं होगा। और ये रिकवरी जब भी चालू होगा, वो चालू होगा मंथ ऑफ जनवरी 2021, मतलब जनवरी 2021 में उसकी रिकवरी चालू की जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिन लोगों ने एडवांस कमीशन लिया हुआ है, क्योंकि यहां पर उन्हें 3 महीने का एक और टाइम मिल गया है अपना एडवांस कमीशन पे करने के लिए। दोस्तों, यहां पर जो एडवांस कमीशन एजेंट को दिया गया था, उसकी रिकवरी का टाइम इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि यहां पर कई एजेंट ऐसे थे जिसकी लॉकडाउन में एक्टिविटी थी वो काफी स्लो डाउन हो चुकी थी। वो किसी क्लाइंट से नहीं मिल पा रहे थे, उनको नई पॉलिसीज नहीं मिल पा रही थी। इसकी वजह से LIC ने यह फैसला लिया कि जो भी रिकवरी है वो जनवरी 2021 से की जाए। तो ये काफी अच्छा न्यूज मिला है उन एजेंट के लिए जिन्होंने एडवांस लिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।